GNB Music Presents. सच्चाई का मोल रहा ना बात करें बेईमान की, सच्चाई का मोल रहा ना बात करें बेईमान की। ए दया धर्म कहने के रह गए, दया धर्म कहने के रह गए, फूट गई शर्म जमाने की। सच्चाई का मोल रहा ना बात करें बेईमान, सच्चाई का बोल रहा ना बात करें बेईमान की। बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, थोड़ा सा उठा दे। हेलो हेलो सरदारों, पहली बात के माध्यम से बताया कि आज हमारे समाज में एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपनी सारी जमीन जायदाद यहाँ तक अगर उसका वश चले तो अपने आप को भी गिरवी रख देता है। आज हमारे भारत देश के अंदर इतना अनर्थ फैला कि एक सगा माँ का जाया भाई अपने भाई का खून कर देता है, कत्ल कर देता है मात्र दो गज जमीन के लिए। आइए सजनों, पहली बात के माध्यम से कवि ने क्या बताया, आज क्या हमारे समाज में होता है बोला। पिता पुत्री का मोल चुका दे, पिता पुत्री का मोल चुका दे, ऐसी आया के क्या कहने, दहेज की खातिर बहू जड़ा दे, ऐसी माया के क्या कहने, दहेज की खातिर बहू जड़ा दे, ऐसी माया के क्या कहने। यहाँ बुढ़े बाप ने बेटा डांटे, बुढ़े बाप शर्म के क्या कहने, भाई का गड़ा यहाँ भाई काटे, ऐसी दया के क्या कहने, भाई का गड़ा भाई काटे, ऐसी दया के क्या कहने। हमारे समाज के अंदर ब्राह्मण देवता को ऊंचा दर्जा दिया गया, उनकी पूजा हम लोग करते हैं, और इस भारतवर्ष के अंदर ब्राह्मणों के लिए लहसुन प्याज खाना गुनाह होता है, एक अपराध होता है। लेकिन आज के ब्राह्मण देवता कैसे हैं, उनके सामने जैसा भोजन परोसेंगे, शराब भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे और मांस भी खाएंगे। एक मूर्ख इंसान ने एक विद्वान इंसान के सामने एक सवाल कर दिया कि महाराज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस भारत देश के अंदर इतना अपराध है के गौ माता काटी जाती है और अक्षमात मृत्यु इस भारत देश के अंदर होती है, रोड पर कुत्ते बिल्ली के जैसे इंसान मरा पड़ा है, इसकी वजह क्या है। कह दिया उस विद्वान आदमी के, जिस दिन इस भारत देश के अंदर ब्राह्मण शराब और मांस का भोजन करना छोड़ देंगे और जिस दिन गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी उस दिन ये भारत वर्ष नंबर वन हो जाएगा। सजनों, लेकिन आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन सब चीजों का सेवन करना छोड़ दे और गौ माता की हत्या करवाना छोड़ दे। आइए दूसरी बात के माध्यम से कवि ने कैसे बताया भला क्या हुआ। ओह क्या बताया, भाई पंडित
कुकरम के क्या कहने साधु जाते वैसा धोरे ऐसे कुकरम के क्या कहने भाई बन के हीरो नंगे नाचे बन के हीरो नंगे नाचे हया शर्म के क्या कहने दस दस के संग और दस दस के संग एक नारी फिरती ऐसे पति धर्म के क्या कहने दस दस के संग एक नारी फिरती पति धर्म के क्या कहने भाई सत्तर साल के यो बाल रंगा के सत्तर साल के बाल रंगा के तकते सकल जनाने की सच्चाई का बोल रहा था बात करे बेईमाने की सच्चाई का बोल रहा था बात करे बेईमाने की विवाद हो जाए हमारे गांव के अंदर पंच होते हैं पंचायती होते हैं सरपंच होते हैं उनके काम ये होया करते हैं कि वो छोटी मोटी विवाद को गांव के अंदर बैठ करके सुलझा ले फैसला गांव में हो जाए ना कि थाने तक पहुंचना चाहिए लेकिन आज के पंच पंचायती कैसे हैं कम से कम 90% गांव के अंदर धर्म के ठेकेदार मिलेंगे एक दूसरे के हिमाती मिलेंगे जो गरीब होगा उसके हिमाती नहीं मिलेंगे आइए सजनों तीसरी बात के माध्यम से कैसे कहा कि एक और बदलाव हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों में हमारे पंच पंचायतियों में हुआ वो कौन सा बदलाव है वाला गुरु जी भाई पक्षपात पन चाती कर जा पक्षपात पन चाती कर जा फिर इंसाफ कहाँ रह गए और बेटे की बहू जब ससुरा तक ले धर्म के बाप कहाँ रह गए बेटे की बहू ससुरा कर ले धर्म के बाप कहाँ रह गए सजनों कहाँ के आज के समय में धर्म के इतने ठेकेदार हैं किसी का नहीं पता चलता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है हमारे समाज के पंच पंचायती कैसे हैं उनके बारे में भी कवि महोदय ने बड़े सुंदर कवि सुंदर शब्दों की रचना करी है आइए कैसे बताया भला और धर्म के ठेकेदार लालची पुण्य और पाप कहाँ रह गए पक्षपात पन जाति कर जा फिर इंसाफ कहाँ रह गए पक्षपात पन जाति कर जा फिर इंसाफ कहाँ रह गए और यारों के घर जारी कर ले यारों के घर जारी कर ले बात करे याराने की सच्चाई का बोल रहा ना बात करे बेईमाने की सच्चाई का बोल रहा था बात करे बेईमाने की क्या बात है सजनों हमारे ग्रंथ बताते हैं हमारे इतिहास बताते हैं कि इस भारत देश के अंदर कई कई सौ वर्षों तक इंसान जिया करते थे उनकी खाने पीने की दिनचर्या अच्छी थी योगा किया करते थे लेकिन आज बाबा रामदेव ने लाख कोशिश करके देख लिया
ना करते योगा, ना है अपनी उम्र बढ़ाने की जरूरत, ना किसी और की उम्र बढ़ाने की जरूरत है। आज अगर हम अपने युवा साथियों से यह पूछने लग जाएं कि भाई भारत देश के अंदर ऐसा महाराजा कौन था जिसने घास फूस की रोटियां खा करके अपना गुजारा किया, तो सबसे पहले मना कर देंगे कि हमने नहीं पता भाई कौन सा राजा था और क्या खाया था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से नई फिल्म कौन सी रिलीज होने वाली है, 100% के 100% बता देंगे कौन सी फिल्म आने वाली है, लेकिन अपने इतिहासों का नहीं पता। आइए सजनों, चौथी बात के माध्यम से कवि ने पूरी रागने का निचोड़ करते हुए ये बता दिया रे। भाई वेद शास्त्र कोई ना पढ़ता, वेद शास्त्र कोई ना पढ़ता, ब्रह्म ज्ञान बंद ताली में योग साधना, मारी योग साधना पड़ी खाक में ब्रह्मचर्या बहरा नाड़ी में, योग साधना पड़ी खाक में ब्रह्मचर्या बहरा नाड़ी में, यो तो रह गया फैशन लोग दिखावा, रह गया फैशन लोग दिखावा, ज्ञान ध्यान ममता पड़ी कूड़े पे और पड़ा बोलता साड़ी में, बहन की ममता पड़ी कूड़े पे और पड़ा बोलता साड़ी में, भाई करा तजुर्बा रे लिखे बर्फ सिंह, करा तजुर्बा लिखे बर्फ सिंह, बात समझिए गाने की सच्चाई को बोल रहा ना, बात करें जोरदार ताली, जोरदार ताली।